गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा, आपकी एसएसटी की टीचर। बच्चों, आज हमारी एसएसटी की दूसरी कक्षा है, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि जमा आवरण। परि से मतलब होता है हमारे चारों तरफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ हुआ आसपास के घिरे हुए वातावरण से है। पर्यावरण में सामाजिक और भौतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक आदि सभी चीज़ें आती हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित या मानवीय क्रियाकलापों से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के घटक हुए प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक के बीच अंतर यह है कि प्रकृति से जो हमें मिलता है, प्राकृतिक रूप में जो हमें प्रकृति से मिलता है, वह प्राकृतिक घटक के अंदर आता है, जिसमें जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल यह शामिल होते हैं। जबकि मानव निर्मित के अंदर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मानव निर्मित मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। तो क्या होता है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ? मकान, बगीचे, पुल, सड़क, कारखाने आदि, ये सभी मानव निर्मित में आते हैं। सबसे पहले हम जीव मंडल को देखेंगे प्राकृतिक के अंदर। तो जीव मंडल में स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीव मंडल में आपके यह तीनों मंडल ही समाहित होते हैं। इसके अंदर जीवन संभव है, इसलिए इसे जीव मंडल कहा जाता है। मानव निर्मित में कारखानों से हमें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। पुल सड़क बनेंगे तो भी पर्यावरण प्रभावित होता है। बगीचे, मकान आदि बनने से पर्यावरण प्रभावित होता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक और मानव निर्मित।